जी मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी इसकी। हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर इसके ऊपर 9 के ऊपर, और चैप्टर नंबर 9 आप जानते हैं कौन सा है, किंगडम प्लान की। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लान की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पहले से मालूम है और आप जानते भी हैं। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, सो प्लीज इन्फॉर्म इन द ग्रुप, प्लीज इन्फॉर्म इन द ग्रुप टू अदर स्टूडेंट्स, प्लीज कम एंड ज्वाइन द मीटिंग। चैप्टर नंबर 9 प्लांटी है, तो ग्रीन पेन से पढ़ाऊंगा आज, ग्रीनरी, किंगडम प्लांटी। ठीक है, देखिए दिस किंगडम इंक्लूड, इस किंगडम में कौन कौन से हैं, मल्टीसेलुलर, इस किंगडम में मल्टीसेलुलर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वे चार ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, मतलब दे आर ऑटोट्रॉप, आप जानते हैं दे आर नॉट, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड मटेरियल, ये अपने फूड मटेरियल को खुद बनाते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स, सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स है, दे हैव प्रॉपर सेल वॉल, सेल वॉल एंड कंप्लीट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कि इनके पास प्रॉपर सेल वॉल होती है। और क्लास अभी स्टार्ट हुई है, यस बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुई है, सबको बुलाओ के सब आ जाएं। मैंने इसलिए क्लास स्टार्ट कर दी, हालात का कुछ नहीं पता, तूफानी थंडर स्टॉर्म बताया, और अगर ये स्टॉर्म आ गया, खुदा ना खास्ता लाइट लंबी चली गई, सिग्नल आपको पता है फोन के, वाईफाई के, इन सब के सिग्नल डिस्टर्ब होंगे, तो हमारा आज का दिन जाया जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका आज का दिन जाया जाए। एक बात और याद रखें, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को भी आपका बायो का क्लास तो जरूर होगा, कोई क्लास हो या ना हो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बहरहाल देखें, मैंने स्टार्ट किया चैप्टर 9 किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया, इसके बाद फिर हम किंगडम एनिमिलिया को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग लगी हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने ग्रुप में नहीं भेजी, वो और ये आज मैं भेज दूंगा। और आज मैं सेंटर जा रहा था, सेंटर के बिल्कुल नजदीक से मैं वापस मुड़ के आया हूँ, मैंने अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी घुमा ले, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं सुबह से हयात की और काउंटी की क्लासेस ले रहा था, तो मुझे हालात का पता ही नहीं था बाहर मौसम कैसा है। और जब मैं बाहर मौसम निकला हूँ, देखा है, तो मैंने कहा भागो, क्योंकि सेंटर में जनरेटर भी नहीं चल पाता, वो छत के ऊपर है और बारिश ऐसी होती है कि पानी उसके अंदर जाता है, तो वहां, और वहां फिर वाईफाई के ज्यादा सिग्नल का मसला हो जाता है, और वहां फिर मैं फंस जाता, मसले में पड़ जाता, तो इसलिए मैंने यही कहा कि घर चलता हूँ, घर से क्लास कंटिन्यू करता हूँ। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो रिकॉर्डिंग थी, आज जाता तो यूएसबी और लेके गया था, उसमें लेता कंप्यूटर से, तो वो आज नहीं ले सका, कल लूंगा, तो कल रात में अपलोड करूंगा बायो की ये, और इससे पहले वाला जो लास्ट लेक्चर था उनकी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा जी, मैंने तो लिंक भेजी है, अच्छा लिंक, सॉरी 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 सॉरी, लिंक मदीना अब्बासी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, इंशाल्लाह टुडे आई शेयर यू, ठीक है, आज मैं शेयर कर दूंगा लिंक आपके साथ। अच्छा बहरहाल, ये तो मैंने इसका बताया, अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्लांट्स को अगर आपसे कोई कहे कि प्लांट्स को डिफाइन करें, तो आप क्या कहेंगे कि प्लांट्स आर एज द मल्टी सेलुलर, प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स दैट आर फोटोसिंथेटिक, फोटो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप, म्यूट करें अपने आप को, ये कौन है, जो भी है म्यूट कर ले अपने आप को, ऑटोट्रॉप्स, वेयर जायगोट
डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है जी। प्लांट्स, प्लांट्स की डेफिनेशन, प्लांट्स आर एज द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स दैट आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वेयर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इनका जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, प्लांट हैव सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर कंसिडर एज लैंड अडेप्टेशन। कि देखें, कहा यह जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स आर माइग्रेटेड फ्रॉम वाटर टू लैंड। ठीक है, ये वाटर से माइग्रेट करके लैंड पे आए। अगर आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी याद हो, हम इंटर रिवोल्यूशन के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे, चार्ल्स डार्विन ने क्या बात कही थी। अगर आपको चार्ल्स डार्विन की थ्योरी याद हो, उसने कहा था कि जब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तो उस दौरान वाटर था, और वाटर में कहीं से कोई एक यूनिसेलुलर आया था, और उस यूनिसेलुलर ने डिवीजन की थी। डिवीजन करके वो क्या बन गया था? मल्टीसेलुलर बन गया था। और जब मल्टीसेलुलर बना तो उसी दौरान वाटर लेवल डिक्रीज हुआ। वाटर लेवल डिक्रीज हुआ तो पीछे की तरफ गया, तो लैंड अराइज हो गई। और जब लैंड अराइज हुई, तो लैंड के अराइज होने के बाद वो मल्टीसेलुलर वाटर से लैंड, लैंड से वाटर। तो इस तरीके से देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन प्लांट। और आपको पता है ना कि फर्स्ट जो आपके पास प्लांट माइग्रेट करके वाटर से लैंड के ऊपर आया था, वो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स था, ब्रायोफाइटिक प्लांट्स थे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि माइग्रेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर टू लैंड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। हमें किसकी प्रेजेंस के अंदर पता चला ये सब कुछ? फॉसिल्स रिकॉर्ड की प्रेजेंस के अंदर। दीज फॉसिल्स, और ये जो फॉसिल्स थे, वर फाउंड इन इंग्लैंड, नॉर्थ वेस्ट, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। किसके थे? फॉसिल्स के, एलजी के, इनवर्टिब्रेट्स के। एंड दीज फॉसिल्स बिलोंग टू 510 टू 590 बीसी, जिसको डिवानियन और सलारियन पीरियड्स का नाम दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा मेरी इस बात को कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल हैव बीन एवोल्व फ्रॉम द वाटर, वाटर से आए हैं ऑन लैंड, लैंड के ऊपर। बट व्हेन दे माइग्रेट ऑन द लैंड, सो दे फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। जब लैंड के ऊपर आए तो इनको कई प्रॉब्लम्स का सामना था। सो दे मॉडिफाई देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया। हाउ दे मॉडिफाई देयर बॉडी? ठीक है, सबसे पहले तो मसला ये था, इनको देखें वाटर के अंदर थे, तो वाटर में कोई वाटर का इश्यू नहीं था। साइंटिस्टों का तो असल में ये कहना था कि देखें, व्हाई दे माइग्रेट फ्रॉम वाटर टू लैंड, बिकॉज वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कि वाटर तो असेंशियल है तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और वाटर में थे तो वाटर को ऑब्टेन करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। वाटर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, ऑक्सीजन रिलीज करते थे, और वो ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद एनिमल्स क्या कर लिया करते थे? यूटिलाइज कर लिया करते थे। इन दिस वे देयर लाइफ रिमेन कंटिन्यू इन द वाटर। बट व्हेन दे माइग्रेट ऑन द वॉट लैंड, लेकिन जब लैंड के ऊपर माइग्रेट करके आए, तो लैंड के ऊपर वाटर का एक रिसोर्स था, और वो एक रिसोर्स एनुअल रेनफॉल। बारिश होगी तो पानी मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो इनके पानी नहीं मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको ये था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि हाउ दे एब्जॉर्ब वाटर, बिकॉज दे डज नॉट पजेस द रूट्स। इनके पास उस दौरान रूट्स नहीं थी। अब आप कहेंगे रूट्स नहीं थी तो वाटर कैसे लिया करता था? आप सुने बड़े एक अच्छी बात, कि देखिए हाइड्रोफाइट्स आपने इंटर में पढ़े होंगे। हाइड्रोफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो किसके अंदर ग्रो करते हैं? वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। और आप जानते होंगे कि जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, इनके पास रूट्स या तो पुअरली डेवलप होती हैं या फिर एब्सेंस होती हैं। अब आप कहेंगे रूट्स पुअरली डेवलप हैं या एब्सेंस हैं, तो वाटर की कनेक्शन कैसे करते होंगे? देयर होल बॉडी में परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इनकी होल बॉडी क्या किया करती थी? वाटर एब्जॉर्प्शन के फंक्शन को परफॉर्म किया करती थी। यस, जब बारिश होती है तो पानी आ जाए। म्यूट करें अपने आप को बेटा, म्यूट करें प्लीज, डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। अच्छा, तो होल बॉडी में परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो लेकिन जब ये लैंड के ऊपर माइग्रेट करके आया, अब लैंड पे तो वाटर नहीं था, लैंड पे बारिश होगी तो पानी मिलेगा, या फिर इनको सॉइल से वाटर की कनेक्शन करनी है। तो इन्होंने अपने अंदर क्या करा? राइजोइड्स को डेवलप किया, और यही राइजोइड्स आगे जाकर के मॉडिफाई हो गई किसके अंदर? रूट्स के अंदर। फिर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या था? देखिए, मैं आपसे कहूं कि एक बर्तन में पानी लें और उस बर्तन के अंदर पानी को लेकर के गर्म करने रखें, तो आप देखेंगे वो पानी जल्दी गर्म नहीं होता। और अगर कोई आपके पास गर्म पानी है, मैं आपसे कहूं उसको ठंडा करें, तो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो वाटर के अंदर तो ये क्वालिटी है, वाटर की स्पेसिफिक हाई यानी कि हीट कैपेसिटी है, वाटर ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो अब इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर
जो वाटर का टेम्परेचर था वो इतना क्विकली इतना रैपिडली चेंज नहीं होता जितनी जल्दी टेम्परेचर लैंड के ऊपर चेंज होता है। अभी आप देखें सुबह वेदर कैसा था, इस वक्त वेदर कैसा हो गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी ये क्लाउडी वेदर खत्म हो और सनराइज हो जाए, लाइट आ जाए आपके पास, ठीक है। तो लैंड के ऊपर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस जितनी ज्यादा तेजी से लैंड के ऊपर चेंज होती है, इतनी ज्यादा तेजी से वाटर के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होती थी। तो इनको ड्राइनेस का, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का सामना था, ठीक है, वो इनको डैमेज कर सकता था, वो इनका वाटर लॉस कर सकता था। तो वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर कंजर्वेशन करना, वाटर एब्जॉर्ब करने का, तो उसको सेव कैसे किया जाए, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से, हाई विंड वेलोसिटी से। तो देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि कई किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल्स करता है, और स्ट्रगल्स उसके अंदर क्या करवाती हैं, मॉडिफिकेशंस या एडेप्टेशंस करवाती हैं, और फिर वो मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशंस उसको क्या बनाती हैं, सक्सेसफुल बनाती हैं। जैसे सपोज करें, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि आप में से मैं किसी से कहूँ कि एक ना यूं कह लें कि 3 फिट या 4 फिट की दीवार है, उस 4 फिट की दीवार को आप जंप करके उस पार जाएं। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसा कर पाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हम इस 4 फिट की दीवार को नहीं फ्लांग सकते, नहीं जंप कर सकते। और अगर आपको जान का खतरा हो, कोई बंदा क्या करे, नाइफ ले ले या पिस्टल लेके आपको मारने की कोशिश करे, तो आप फौरन से उस 4 फिट की दीवार को फ्लांग के या जंप दे के भाग जाएंगे वहां से। तो अब आप देखें, इससे पहले आप उस 4 फिट की दीवार को जंप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपको जान का खतरा था तो आपने जान को बचाने के लिए उस 4 फिट की दीवार को क्रॉस कर लिया। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये आपके अंदर एक एडेप्टेशन हो गई। ये आपने किस लिए किया, अपने सर्वाइवल के लिए। आपका सर्वाइवल कब है, जब आपकी लाइफ होगी, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे आपने अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल की और उस दीवार को फलांगने में कामयाब हो गए, तो ये आपके अंदर एक एडेप्टेशन आ गई। जो आज से पहले आपके अंदर एडेप्टेशन नहीं थी, पहले आप 4 फिट की दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते थे, और इसी एडेप्टेशन ने आपको सक्सेसफुल बनाया। तो याद रखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं कहूं कि लैंड के ऊपर टेम्परेचर का मसला था, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का था, वाटर का मसला था, और कई ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स थे, तो ये लैंड के ऊपर क्यों आए, तो लैंड के ऊपर आ तो गए, ठीक है ना। अब इन्होंने इन खतरात की वजह से लैंड के ऊपर आना नहीं छोड़ा, ये आते जाते एक्सपायर होते जाते, आते जाते सर्वाइव ना कर पाते, एक्सपायर होते जाते। सेवरल 100 ईयर तक ये सिलसिला चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि दे मॉडिफाई देयर बॉडी। इन्होंने अपनी बॉडी को उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। नाउ दीज आर द आपके पास क्या, सक्सेसफुल प्लांट ऑफ द लैंड। और ऐसे मॉडिफाई किया कि अब ये सक्सेसफुल प्लांट है इस लैंड के ऊपर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने स्ट्रगल्स करना नहीं छोड़ी, ये स्ट्रगल्स करते गए, उन स्ट्रगल्स ने इनके अंदर एडेप्टेशन करा दी। कहीं क्यूटिकल को डेवलप कर लिया, कहीं लिग्निन को डेवलप कर लिया, कहीं स्पोरोपोलिलिन को डेवलप कर लिया, कहीं रूट्स को डेवलप कर लिया, कहीं एयर चैम्बर्स बना लिया, कहीं हेट्रोगैमी वाला सिस्टम बना लिया। तो ये सारी की सारी इनकी क्या थी बेटा, स्ट्रगल्स थी। और इन्हीं स्ट्रगल्स को हमने क्या कहा, इन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से ये अपने आप को मॉडिफाई कर सके, और इन्हीं मॉडिफिकेशन ने, इन्हीं एडेप्टेशंस ने इन्हें क्या दी, सक्सेशन दी। तभी आज ये लैंड के ऊपर क्या कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। चले आप में से अगर मैं किसी की बात करूं, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें हम और आप किस क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं, हॉटेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। अगर आप और हम नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जाएं तो वहां पे इतनी हॉटेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती। आप अब जाएंगे वहां पर तो आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उस चीज की आदी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप वहां पे कंटिन्यूसली रहना शुरू कर देंगे, आहिस्ता 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 आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अब आप देखें ना, हम हॉटेस्ट एरियाज में रहते हैं, सवा चित्राल कागा नॉर्दर्न एरियाज वालों को देखें, आप हमारी और उनकी हाइट में डिफरेंस देख लें, आप हमारे और उनके स्किन कलर के अंदर डिफरेंस देख लें, आप हमारी और उनकी ग्रोथ में डिफरेंस देख लें। मैं आपके सामने नॉर्दर्न एरियाज का एक 10 साल का बच्चा खड़ा कर दूं और अपने एरियाज का, जिन एरियाज में हम रहते हैं वहां का 10 साल का बच्चा खड़ा कर दूं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्दर्न एरियाज का 10 साल का बच्चा, उसकी हाइट, कलर, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे मुकाबले में कई गुना बेहतर होंगी, और वो लुक लाइक 14 ईयर्स का आपको दिखेगा। यही वजह है कि हमारे पास जो हॉटेस्ट एरियाज है
और टेस्ट एरियाज में मैच्योरिटी पीरियड जल्दी हो जाता है, अर्ली हो जाता है 10 या 12 ईयर्स के अंदर, और वहां पर जो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है वो 13 या 14 ईयर्स के अंदर हो पाता है, क्योंकि देखिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और जब हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इनसे रिजिस्ट करने की कोशिश करती है, और उस रिजिस्ट करने की कोशिश के अंदर हमारे अंदर कोई ना कोई एक नई एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है, और वही एक नई एडेप्टेशन हमें क्या करवाती है, सक्सेस करवाती है, हमारे को सर्वाइवल देती है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि व्हेन दीस प्लांट माइग्रेट ऑन द लैंड सो दे मॉडिफाई देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, इन्होंने अगर इस लैंड के ऊपर सर्वाइव करना है तो अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ेंगी तब सर्वाइव कर सकेंगे। जैसे सपोज करें आपने इंटर में हेलोफाइट्स पढ़ा था जिनके लीव्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, अब अगर वो सैलाइन सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और वो सॉल्ट ग्लैंड को डेवलप ना करते तो क्या सर्वाइव कर पाते, कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते। यही वजह कि एक नॉर्मल प्लांट, मैं आपको रॉ सैंडी का दूं और कहूं को इसको नियर द सी साइल समंदर के आसपास वाले एरिया में आप इसको ग्रो करवाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता वहां ग्रो करेगा, वहां उसमें एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, क्योंकि वहां हाइपरटोनिक वाली कंडीशंस होंगी और हाइपरटोनिक कंडीशंस की वजह से वाटर इनसाइड से आउटसाइड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन हेलोफाइट्स ने कैसे डेवलप किया, इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया, इन्होंने सॉल्ट ग्लैंड्स को अपने लीफ में डेवलप किया, सारा सॉल्ट जाके वहां सॉल्ट ग्लैंड्स में जमा हो जाया करता था और वहां से रिमूवल कर दिया करते थे। इन्होंने अपने अंदर एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप किया, क्योंकि देखिए हेलोफाइटिक प्लांट मार्शी सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, साल्टी सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, सैलाइन सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, और सैलाइन मार्शी साल्टी सॉइल वो सॉइल होती है जहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम होता है, तो सॉल्यूट के अमाउंट के बढ़ जाने की वजह से सॉइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसने क्या करा एक्सपायर हो जाता, रूट्स की ग्रोथ नहीं होती, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसने एडवेंटिशियस रूट जिनको आपने एक्स्ट्रा रूट्स का नाम दिया था, जिनको आपने एयर ट्यूबल्स का नाम दिया था, जिनको आपने रेस्पिरेटरी रूट्स का नाम दिया था, इन्होंने अपने अंदर देखे उनको डेवलप कर लिया, उनके थ्रू ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ट्रैप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं सर्वाइव कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स को भी आप देख लेना, आज से पहले वाटर में थे, क्यूटिकल नहीं थी इनके पास, डेवलप करनी पड़ी वाटर को कंजर्व करने के लिए, लिग्निन नहीं था, स्ट्रेंथ चाहिए थी, क्योंकि वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं और उनकी हाइट तकरीबन 1 फीट 2 फीट 3 फीट बस इससे ज्यादा उनकी हाइट नहीं होती, लेकिन लैंड वाले जो प्लांट्स हैं इनकी हाइट 10 फीट 12 फीट इससे कहीं ज्यादा जाती है। तो अब इन्होंने वहां पे स्ट्रेंथ चाहिए थी, रिजिडिटी स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो लिग्निन को डेवलप कर लिया, इन्हें एनवायरमेंटल डैमेजेस से बचना था, इन्होंने स्पोरोपोलिलिन को डेवलप किया, ये स्पोरोपोलिलिन इनको हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से, लो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से, ड्राई कंडीशन से इनको पैथोजन से क्या किया करता था, प्रोटेक्ट किया करता था, बचाया करता था। ठीक है, या फिर आप देखें एयर चैम्बर्स को डेवलप कर लिया, अपने अंदर आकर के राइजोइड्स को डेवलप कर लिया ताकि वाटर की कंडक्शन करें, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक एक्स्ट्रा लेयर से डेवलप कर लिया ताकि हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डैमेज ना कर सके। तो ये सारी की सारी इनकी क्या है, एडेप्टेशन है। या मैं आपसे बात करूं कि जब आप लोग मैट्रिक करके कोई किसी कॉलेज में जाता है, कोई किसी कॉलेज में जाता है, मैट्रिक का एनवायरनमेंट आपके माइंड में होता है, उस कॉलेज में जाते हैं, वहां का एनवायरनमेंट देखते हैं, शुरू में आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ के बाद कहीं जाकर के आपकी वहां एडजस्टमेंट बनती है, और जब आपको 3 मंथ 4 मंथ हो जाते हैं तो आप फिर उसी माहौल के आदि हो जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने यूं कह लें एक तरीके से रच बस जाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो सेटलमेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, ये एकदम नहीं होती, ये डिफरेंट फैक्टर्स की बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तब कहीं जाकर के आप प्रॉपर वे के अंदर क्या हो पाते हैं, वहां पे स्टेबल कंडीशंस में आ पाते हैं, लेकिन स्टेबल कंडीशंस में आने के लिए आपको एडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। चलिए सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, इस वक्त के स्टार्ट के अंदर हम और आप ऑनलाइन के आदि नहीं थे, ऑनलाइन में कितने प्रॉब्लम्स होते थे, कितने इश्यूज होते थे, लेकिन आज हम और आप इसके आदि हो गए। अब पहले आदि नहीं थे तो क्या हम आदि नहीं थे, हमारे पास नेटवर्क का इश्यू था, हमारे पास कई दूसरे प्रॉब्लम्स थे, तो क्या हमने उस स्ट्रगल को करना छोड़ दिया, करना छोड़ देते तो आज आप एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करते, आने वाले एंटी टेस्ट को पास आउट कैसे करते, हमने वहां स्ट्रगल्स करते रहे, और जैसे जैसे हम स्ट्रगल्स करते गए हमें मुख्तलिफ फॉल्ट पता चलते गए कि क्या क्या फॉल्ट पैदा हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम स्ट्रगल्स करके उन फॉल्ट को पकड़ते गए, उन फॉल्ट को दूर करते गए, आज देखें हमारे अंदर ये एक एडेप्टेशन आ गई और हम यूज टू हो गए, और यूज टू होकर के हम आसानी के साथ में आप देखें क्लासेस को बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, एक टेस्टिंग सिस्टम भी चल रहा है। तो नई जब कोई चीज आती है
हैं तो हम उसके यूज टू नहीं होते, फिर हमें उस चीज के मुताबिक हम लेकिन लेकिन वो बड़ा गलत करेगा कोई बंदा जो उस चीज का आदि ना हो और स्ट्रगल करना छोड़ दे। हमने क्या करते रहे, स्ट्रगल्स करते गए और इन स्ट्रगल्स से हमारे अंदर देखें आज एडप्टेशन करा दी और हम बिल्कुल यानी कि यूज टू हो गए और इन एडप्टेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टडी करें, और यही एडप्टेशन हमें आज क्या दे रही है, सक्सेशन दे रही है कि हम आज चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच गए और हमने इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि याद रखिएगा जितने भी ये लैंड प्लांट हैं ये वाटर से माइग्रेट करके आए हैं, और वाटर के ऊपर आने के बाद देखिए ऑन द लैंड दे गॉट देयर कंट्रोल आफ्टर डिफिकल्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मत समझिएगा कि लैंड पर आते ही ये स्टेबल हो गए, नहीं, लैंड पे आने के बाद इन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड को गुजारा और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये इस लैंड के ऊपर स्टेबल कंडीशंस के अंदर आए। डिफिकल्ट पीरियड टेम्परेचर का, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का, इन सब का इनको क्या था, सामना था, इन सब चीजों को इन्होंने फेस किया, स्ट्रगल्स की, लेकिन उन स्ट्रगल्स उन प्रॉब्लम्स को देख के ये भागे नहीं, ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने वाटर से माइग्रेट करके आना नहीं छोड़ा, ये आते गए स्ट्रगल्स करते गए और आज ये इतने ज्यादा एडप्टेट हो चुके हैं कि अपनी एक सक्सेस लाइफ को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप में से कहता हूं कि जी टेस्ट ना देना, टेस्ट के डर से भाग जाना ये गलत है। आप टेस्ट दें, क्लासेस ना लेना, क्लासेस के डर से भाग जाना ये गलत बात है। आप आए, आप बैठें, आप स्ट्रगल्स करें, करते जाएं और ये स्ट्रगल्स मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि आपके अंदर कुछ ऐसी एडप्टेशंस पैदा कर देंगी और वो एडप्टेशंस के आपकी नॉलेज होगी, नॉलेज को बढ़ा देंगी और यही एडप्टेशंस आपको आगे जाकर के सक्सेशन देंगी, आप सक्सेस होंगे अपने फ्यूचर या अपने कैरियर के अंदर आगे जाकर के। तो बहरहाल मैंने बहुत बात कर ली इन चीजों के ऊपर, मैं आगे की तरफ चलता हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं। अच्छा जी चलें जी, अब कौन कौन सी वो एडप्टेशंस थी, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं कुछ यहाँ कॉमन एडप्टेशंस को क्या करता हूँ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, बोलने के लिए बहुत है लेकिन फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से मैं भी अपने लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। देखें द एरियल पार्ट्स में बेटा क्या आ जाएंगे, सच एज leaves have a waxy coating बना ली, called किसका नाम दिया करते थे, cuticle का नाम देते, आज से पहले ये cuticle नहीं थी, तो इसीलिए this cuticle is a secondary product, ये secondary product है, primary वो जो water के अंदर, अब पहले तो नहीं थी ना, water से land पे आए तो बना लिया, तो इसलिए आप इसको किसका नाम देंगे, secondary product का नाम देंगे, ये secondary product, keep in your mind, ठीक है, ये जो cuticle थी, ये cuticle क्या करती थी, reduce करती थी, किसको reduce था, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करती है। हाउ दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इस पॉइंट को ले लें, पिक कर लें, फिर मैं इसको रिमूव करके थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, क्यूटिकल इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ओके। अच्छा देखें यहाँ पर, सपोज करें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपसे कि ये प्लांट का एक लीफ है, लेट्स बी सपोज दैट, अब लीफ का ये छोटा सा एरिया मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पर सारे के सारे क्या है वाटर है। अब यहाँ पे इसके ऊपर लाइट पड़ती थी, लाइट देखें, और विंड की वेलोसिटी, हवा विंड भी क्या करती है, वाटर को ड्राई करती है, तो ये वाटर इसका एवोपरेट हो जाता था, वेपर्स बन के निकल जाता था, ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं, वाटर को हद से ज्यादा बॉइल करें तो वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने इसके ऊपर देखें ये क्या डेवलप कर ली, एक वैक्स की, ये फैट की बनी हुई है, वैक्सी लेयर, और इस वैक्सी लेयर को हमने और आपने किसका नाम दिया है, क्यूटिकल लेयर का नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए इस क्यूटिकल लेयर से टेम्परेचर पड़ेगा, क्यूटिकल लेयर से वाटर के ड्रॉप निकलने के लिए ऊपर आएंगे, इस क्यूटिकल लेयर से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे, कुछ ड्रॉप निकलने में कामयाब होंगे, बाकी का सारा वाटर क्या हो गया, कंसर्व हो गया,
कंजर्व होना, मतलब सेफ कर लेना, सेफ कर लिया, ठीक है। तो देखिए अगर ये क्यूटिकल लेयर ना होती, देखें इस तरीके से, और मैं कहता कि जी लाइट पड़ रही है, विंड की वेलोसिटी, तो सारा का सारा वाटर एवोपोरेट हो जाता। वाटर अगर इनका एवोपोरेट हो जाता तो इनके जो प्रोटोप्लाज्म है सेल्स के, वो श्रिंक हो जाते, और श्रिंक होने के बाद फिर ड्राई होके क्या हो जाते, ये सब के सब एक्सपायर हो जाते, ठीक है। क्लियर है पहला पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट एडेप्टेशन ऑफ प्लांट व्हेन प्लांट माइग्रेट फ्रॉम वाटर टू लैंड, जब वाटर से निकल के लैंड के ऊपर आए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अनदर सेकेंडरी प्रोडक्ट, अब सेकेंडरी प्रोडक्ट भी आपको पता चल गया होगा कि हम इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं। अनदर सेकेंडरी प्रोडक्ट, अच्छा जी देखिए अगर लाइट गई तो मैं समझ जाऊंगा बारिश स्टार्ट हुई है, क्योंकि बारिश की एक बूंद पड़ी नहीं और इन्होंने लाइट बंद नहीं की। जैसे ही लाइट गई मैं समझ जाऊंगा बारिश हो रही है, और उसके बाद अगर बारिश तेज हुई तो फिर क्लास को मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर शाम में दोबारा स्टार्ट करेंगे, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, और अगर बारिश नॉर्मली हो रही होगी तो फिर जनरेटर के ऊपर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और शाम में इसलिए भी मैंने ख़त्म किया ना क्लास, बाज लोगों को मजलिस में जाना होता है, मसला ये भी होता है, मेरे तो जहन में ही नहीं था बिल्कुल भी। 9 और 10 मुहर्रम को भी क्लास होगी, याद रखिएगा, पूरा वीक क्लास होगी, हमें अपना टारगेट पूरा करना। 9 और 11 के बाद मैं इंटर के ऊपर जाऊंगा, जेनेटिक्स को पहले डिस्कस करूंगा, चैप्टर 6। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी 35 एमसीक्यू जेनेटिक्स से ही आए थे एंटी टेस्ट के अंदर। हाँ चैप्टर 11 बेटा, इसके बाद मदीना अब्बासी। अच्छा जी उसके बाद देखें, ओह माय गॉड नेटवर्क नहीं होगा, चलें देखते हैं, अल्लाह मालिक है, वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा देखिए, अनदर सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज लिग्निंग। यू नो लिग्निंग, व्हाट इज लिग्निंग, कोई मुझे आप में से बताएगा लिग्निंग क्या होता है? यू नो, मेरी आवाज ने मसला करना शुरू कर दिया, ओह माय गॉड। अभी सही आ रही है मेरी वॉइस? प्लीज बताइएगा सही आ रही है। ठीक है चलें, ठीक है, ये अब क्या करूं मैं, सिग्नल ड्रॉप होते हैं बार बार नेटवर्क की वजह से, रुक रही है बीच बीच में। चलें जी चलें, जब तक चलता है चलाते हैं इसको। अच्छा लिग्निंग क्या है बेसिकली तौर पर? देखिए ये लिग्निंग, ये लिग्निंग, यस लिग्निंग क्या है? डेड मटेरियल, मैं आपको बता चुका हूँ, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, किसके अंदर होगा? स्केलेटन कायमा में होगा। जरूरत है बताने की? प्लीज बताइएगा मुझे, नहीं है ना? नो, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए ये लिग्निंग ही तो हार्डनेस देता है इनको। सेकेंडरी ग्रोथ चैप्टर 2 में दोबारा इंटर में डिस्कस करेंगे हम स्केलेटन कायमा को, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जा करके, ठीक है। बहरहाल यस वेरी गुड वेरी गुड, लिग्निफिकेशन ओके, मैं रिमूव कर रहा हूँ इस पॉइंट को, मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा देखिए इन प्लांट पॉलीमर, अब मैं आपसे पूछूंगा, कोई मुझे आप में से बताएगा शायद पॉलीमर, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये नहीं पढ़ाया है ये चैप्टर, कुछ लोगों के अलावा, बाकी हयात वाले जितने भी हैं इंटर डी का जो बच्चा है उसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाया ये चैप्टर, क्योंकि मेरे पास हयात में फर्स्ट ईयर का एक आध सेक्शन ही होता है, बाकी पूरा एंटर होता है आपको पता है। अच्छा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज लिग्निंग? सर जाई जिंदाबाद, यशरा सुधर जाओ। अच्छा जी ये लिग्निंग क्या है? सॉरी लिग्निंग कह रहा हूँ, स्पोरोपॉलिलिन। चलें जी हम पूछते हैं, रिमशा आप बताओ, रिमशा अर्शद। लिग्निंग कौन बताएगा? रिमशा बताए,
शोभा बताए। शोभा शोभा रिमशा कोई तो बताए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, स्पोरोपोलिलिन का पूछ रहा हूँ, आवाज को छोड़ो, स्पोरोपोलिलिन का पूछ रहा हूँ। स्पोरोपोलिलिन क्या है ये? हाउ इट सेडिमेंटरी रॉक में होते हैं। मेरी आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही और ये क्या हो गया। चलो जहां तक ठीक आ रही है उस वक्त तक तो देख लेते हैं। पॉलीमर है जो रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल कंडीशन। और कोई बताए। लेकिन ये स्पोरोपोलिलिन क्या है? देखिए स्पोरोपोलिलिन एक ऐसा पॉलीमर है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट के कहाँ? ये मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ में होगा, ठीक है। और ये प्लांट को इन्वायरमेंटल डैमेजेस से बचाएगा, लो एंड हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो और हाई टेम्परेचर होगा तब प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगा, पैथोजन भी तो है ना इस एनवायरनमेंट में, वायरस बैक्टीरिया फंजाई, ठीक है। पैथोजन के अलावा जो है, यानी कि आप क्यों कह लें कि पैथोजन के अलावा हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट से या लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, इनसे भी क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो स्पोरोपोलिलिन याद रखिएगा कहाँ पर पैदा होगा? मीजोफिल सेल ऑफ लीफ के अंदर प्रोड्यूस होगा। और ये प्लांट को इन्वायरमेंटल डैमेजेस क्या? हाई टेम्परेचर डैमेज करता है, लो टेम्परेचर डैमेज करता है इसको, ठीक है। पैथोजेन इसको डैमेज करते हैं, इन सब से बचाएगा। तो ये पैदा कहाँ होता है? मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। अब स्पोरोपोलिलिन की अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉलीमर है जो रेजिस्ट करता है। और इस पॉलीमर को आप जानते हैं क्या नाम देते हैं? आपने इंटर में चैप्टर नंबर 3 में इसको नाम दिया था एब्सिसिक एसिड का। किसका नाम दिया था हमने? एब्सिसिक एसिड, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद हो, ये प्लांट का एक हार्मोन है, प्लांट का एक हार्मोन है, ठीक है। और इस हार्मोन को हम किसका नाम देते हैं? स्ट्रेस हार्मोन का। स्ट्रेस हार्मोन प्लांट का क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर आपको याद हो। आपने इसको यानी के फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 3 इंटर में हमने पढ़ा था, याद है ना? मीजोफिल सेल ऑफ लीफ में प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, यस ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या करता था? लीफ के साइज को रिड्यूस कर दिया करता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको रिमूव करके, देखिएगा आप लोग। देखें ये लीफ का बड़ा साइज है ना, जितना बड़ा साइज है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या है? ज्यादा है। लीफ के साइज को स्केल लाइक कर देता है, लीफ के साइज को रिड्यूस कर देता है। जब लीफ का साइज रिड्यूस किया, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होगा? कम होगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो गया, वाटर का लॉस बच गया। या फिर भी होता है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, क्लोज स्टोमेटा। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा यानी कि स्ट्रेस वाली कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो ये लीफ को ही क्या करता है? फॉल डाउन कर देता है, लीफ को गिरा देता है। और लीफ को गिरा के क्या पैदा कर लेता है? ये लीफ को गिरा करके ये पैदा कर लेता है जनाब, किसको? स्पाइंस को। स्पाइंस जानते हैं ना किसको कहते हैं? कांटों को कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा बहरहाल, तो ये सारी किसकी वजह से है? स्पोरोपोलिलिन एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसको एब्सिसिक एसिड का नाम दिया जाता है। मीजोफिल सेल ऑफ लीफ के अंदर इसकी क्या होती है? बेसिकली तौर के ऊपर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ है। इस पॉइंट के बाद आगे चलते हैं। देखिए ऑल प्लांट शो, जितने भी प्लांट हैं वो शो करते हैं किसको? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। अभी इसके इंट्रो पर ही चल रहे हैं हम, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेशन वर्ड कहाँ से निकला है? ऑल्टर से। ऑल्टर का मीनिंग होता है चेंज। किसको चेंज करना? जनरेशन को चेंज करना। क्योंकि देखें बास प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होता है किससे? गैमेटोफाइटिक स्टेज से, गैमेटोफाइटिक स्टेज से। और बास प्लांट ऐसे हैं जिनका लाइफ साइकिल स्टार्ट गैमेटोफाइट से हुआ, लेकिन एंड किसके ऊपर होगा? स्पोरोफाइटिक स्टेज के ऊपर होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है।
तो गैमेटोफाइटिक स्टेज में गैमेट्स बनेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टेज में स्पोर्स बनेंगे। कैसे गैमेट्स बनेंगे, कैसे गैमेटोफाइट से ये स्पोरोफाइट की तरफ जाएगा, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर जाके, ठीक है। और बास प्लांट के अंदर क्या होता है, लाइफ साइकिल स्पोरोफाइटिक स्टेज से शुरू होता है और स्पोरोफाइटिक स्टेज से शुरू होने के बाद कहाँ पे खत्म होता है, जाकर के गैमेटोफाइटिक स्टेज के ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बास प्लांट में लाइफ साइकिल स्पोरोफाइटिक स्टेज से शुरू होगा गैमेटोफाइट पे, मतलब उनकी फर्स्ट स्टेज स्पोरोफाइटिक होगी और स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स जाकर के गैमेटोफाइट बना लेंगे और फिर उन गैमेटोफाइट से क्या रिलीज होंगे, गैमेट्स इनके अंदर रिलीज होंगे। और बास प्लांट में किससे शुरू होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, अल्टर करते हैं, चेंज देयर लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट। लेकिन जो अर्ली लैंड प्लांट थे, अर्ली लैंड प्लांट से मुराद किसकी बात हो रही है, ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन आपके पास कौन से अर्ली अर्ली प्लांट्स, जो अर्ली प्लांट्स थे में जो गैमेट्स थे, गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन गैमेटिंगिया, ठीक है। एग इज फर्टिलाइज इन फीमेल गैमेटिंगिया, और एग जो फर्टिलाइज हुआ करता था, मीटिंग एंड होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे एक मिनट के बाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एग इज फर्टिलाइज इन फीमेल गैमेटिंगियम, फीमेल गैमेटिंगियम में बनता था, एंड जाइगोट इज एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। मीटिंग बंद होगी, दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा जी, जायगोट डेवलप इंटू एम्ब्रियो, मतलब ये कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता था, मेल गैमेट्स रिलीज करता था, वो मेल गैमेट्स ट्रांसफर होते थे फीमेल गैमेटिंगिया, मतलब आर्चिगोनिया में, वहां जाकर के मेल और फीमेल के